ये इंडिया में क्या हो रहा है, चारों ओर आग ही आग। मैक्सिमम जगह जो है वो जल चुका है और अभी भी जल रहा है। तो ऐसे होने से क्या होगा, हम लोग का इंडिया जो है बहुत ही अंडर डेवलप हो जाएगा, बहुत ही पीछे जाएगा। और अभी तो फिलहाल इंडिया का जीडीपी बहुत कम हो गया है। हम का ऐसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट में 13-14 दिन तक कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, 144 चल रहा है। तो ऐसे होने से कैसे चलेगा, नॉर्मल लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को या फिर कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट को। तो फिलहाल अभी तो हालत बहुत ख़राब है। कुछ दिन पहले का बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी में इंटरनेट कट कर दिया था और अभी भी शायद कोई कोई जगह में इंटरनेट नहीं है। यूपी में भी बहुत ख़राब चल रहा है। पहले तो गुवाहाटी में, असम में स्टार्ट हुआ था कि कैब के लिए, मतलब CAB सिटीजन अमेंडमेंट बिल, वो बिल था पहले, अभी एक्ट हो चुका है। तो हम लोगों को ये अपोज करना चाहिए या फिर मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि कैब या CAA जो है अभी चल रहा है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, मैं साफ साफ बोल देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका ज़रूर दीजिए। तथास्तु। तो गाइस, हालात इतना ख़राब है कि मैं कहीं पे जाने की सोच नहीं सकता हूँ। पूरा रास्ता ब्लॉक है, 144 लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आग जल रहा है, सब कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट को सोचने के लिए बहुत सारे टाइम दिए गए हैं, मगर उनके पास सोचने का दिमाग है या नहीं है वो दूसरा बात है, मगर उन लोग को थोड़ा एक ठोस कदम लेना चाहिए इंडिया को डेवलप करने के लिए, ना कि ऐसा हालत में छोड़ने के लिए। दिस इज़ नॉट फेयर। सो हम सबको साथ लेके चलना है आपको। अगर आप लोगों को ऊपर उठना है, आप लोगों को अगर वो चेयर PM हो, CM हो, कोई भी वो कुर्सी अगर आपको प्यारी है, तो हम लोगों को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। दिस इज़ द फैक्ट। अगर हम लोग खुश हैं तो आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग अगर खुश हैं, हम लोग अगर दुखी हैं तो वो बहुत बुरा होने वाला है। तरक्की कर रहा था, मगर ये जो CAA आने के बाद ऐसा तहलका मच गया है, आप लोग सोच नहीं सकेंगे कितना GDP कम हो गया है। आप लोग खुद चेक करके देख सकते हैं। ऐसा होने से हम लोग डेवलप नहीं होंगे, अंडर डेवलप कंट्री में से एक माना जाएगा जैसे पहले था। हाल ही में हम लोग का इंडिया जो है बहुत ऊपर गया था, तरक्की कर रहा था, मगर अभी तो बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम सभी को साथ लेके चलना है, सबको साथ एकजुट होना है, अच्छाई के साथ सभी को जोड़ना चाहिए और ख़राब के साथ सबको छोड़ना चाहिए। तो गाइस, बहुत दिन से सोच रहा था कि एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं, मगर यहाँ पे इंटरनेट भी कटा हुआ था, उसके बाद खुल दिया गया था। 6 दिन 9 दिन ऐसे इंटरनेट कट करके रखा था, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ था। इंटरनेट नहीं तो कुछ नहीं है। हम लोग अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो सोच नहीं सकता है कि विदाउट इंटरनेट हम लोग क्या करेंगे। तो इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, अभी इंटरनेट आ गया है बोल के 2-3 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज। तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज क्रिसमस है, तो सभी को मैं आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो गाइज, मैं आज वीडियो जस्ट इसीलिए बना रहा हूँ कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बंद था इंटरनेट, माहौल ख़राब था और ऊपर से मैं कहीं पे जाने की मूड में नहीं था, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा भी ऐसा स्टेट, मुझे डिस्ट्रिक्ट से गुजरना पड़ता है जो डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लागू हुआ है, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गैप करके रखा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द एक अच्छा सा वीडियो बनाएं और आप लोगों को दिखाएं। तो गाइज, आज का वीडियो जस्ट यहाँ तक ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय योर होम, बाय बाय।